गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। आज प्रॉब्लम लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग जुट चुके हैं, कुछ लोग वेटिंग में हैं। जो भी है, आज हम प्रॉब्लम लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरा 500 से ऊपर सब्सक्राइब हो गया है। हो सकता है कल या नेक्स्ट डे से आपका स्क्रीन पर प्रॉब्लम भी चलेगा, एनसीईआरटी और कहीं सिन्हा का बगल में हमारा मेरा प्रॉब्लम चलेगा और आप वहाँ से प्रॉब्लम चूज करके बोल सकते हैं, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो हम यहाँ पर बना देंगे आपको। खैर, कल मैंने आपको थ्योरी दिया था, आज प्रॉब्लम पर चलते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं। कुछ लोग एग्जाम्पल बनाए होंगे, कुछ लोग नहीं बनाए होंगे। ये थोड़ा सा तो आइए पहला एग्जांपल देते हैं आपको। इस टाइप से देखिए, ये सब सवाल बनाए होंगे एनसीईआरटी का आप लोग। टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब आई वन माइनस 3x स्क्वायर वन माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये प्रॉब्लम है आपका इस टाइप का। अब ये प्रॉब्लम की बात कीजिए, मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है बाय मेथड, बाय फार्मूला, बाय रूल, बाय डिफिनेशन, जो भी तरीका से इसको पहले आप सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ टेन इनवर्स, और आप लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है, अगर हम इसको दो फंक्शन में लेके करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा होगा, और ये अगर हम सॉल्व करके बनाएंगे त्रिकोणमेट्री से, इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन से, तो ये तुरंत हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है, मैंने बताया था 3 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बताए थे, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय वन माइनस 3x स्क्वायर। ये है यहाँ, देखिए यही चीज है यहाँ। ये चीज जब यहाँ है तो आप क्या कहेंगे, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला पर तोड़िए और क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy by dx, 3 tan इनवर्स का डी ऑफ टेन इनवर्स फॉर्मूला जानते हैं आप, बोले देखिए जो कमजोर बच्चे हम लिख भी देते हैं, वन बाय वन प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिए, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रखिए, इसका डिफरेंशिएट क्या कीजिएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट बोलना है आपको, 3 बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, वेरी सिंपल। इसलिए बोला था ना, अगर इसको आप बनाइएगा, डबल फंक्शन है यहाँ, उधर से बनाइएगा तो दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा तो आपको फिर u बाय v पर तोड़ना पड़ेगा इसको, इसलिए लॉन्ग जाएगा, तो आप इधर से सॉल्व करके अगर बनाते हैं तो वेरी सिंपल हो जाता है। सब लोग जुड़ चुके हैं, नितेश कुमार जी, मनीष रजक, नितेश कुमार भागलपुर से जुड़े हैं, देसी हट न्यूज भी जुड़े हैं आज, मिक्रिटू सुमन, आर्यन राज, प्रियांशु राय, नितेश कुमार, मनीष रजक, पवन कुमार, प्रेम कुमार जायसवाल, ब्रजेश रानी, वर्षा रानी जुटे हैं आज, दिलखुश कुमार, श्रवण कुमार, गोपाल कुमार, नितेश कुमार, श्रवण कुमार, सौरभ कुमार, नीतीश राज, नीतीश बाल, किशोर कुमार, प्रसन्नजीत कुमार, श्याम कुमार, जितेंद्र ज्वाला, हेमरंजन ऑफिशियल, प्रिंस कुमार, श्यामराज, दीपक कुमार, मिस्टर कुमार अनुराग, साकेत कुमार, निवास कुमार, अजीत गुप्ता, रूपक कुमार गुप्ता, संजीव कुमार रंजन, अनीश कुमार, आईएम कोरोना, संजीव कुमार रंजन, अल्फा अंकित, सचिन कुमार, बालकिशोर कुमार, सौरभ कुमार, ये सब जुड़ चुके हैं, निधि कुमारी, अंकुश कुमार राय, संजीव कुमार रंजन, विक्रम कुमार, नीतीश कुमार, दीपक कुमार, फिर से वही लोग आ रहे हैं, सब लोग जुड़ गए हैं, सबको वेरी वेरी थैंक्स।
हाँ गोपाल कुमार करें व्हाट्सएप क्वेश्चन, आज हम समझा देते हैं, कल से स्क्रीन पर चलेगा, सारा क्वेश्चन चलेगा, कहीं सेना का एनसीईआरटी का दोनों देख लीजिएगा आप उसमें जो पूछिएगा पूछिएगा, हम ऐसे सवाल लेके आपका हम देख लेंगे। व्हाट्सएप वाला आज हम लाए नहीं, भूल गए, तेजी में थोड़ा सर दर्द कर रहा सुबह, इसलिए हम लेके नहीं आ पाए, इसलिए अभी आए हैं हम, स्क्रीन आपको नहीं मिल रहा होगा। इस टाइप से देखिए, तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम इस टाइप से है, और हम आगे फिर बढ़ते हैं, व्हाट्सएप वाला भी सॉल्व कर देंगे हम आपका, टेंशन नहीं लीजिए। फिर क्वेश्चन कहता है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एग्जाम्पल, यह एनसीईआरटी का सवाल नंबर है आपका, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर कितना है 11, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x²y 1 + x², वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला बताया गया था, टू ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है कॉस इनवर्स 1 - x²y 1 + x², देख लीजिए फॉर्मूला बताए थे, और इसी में था टू टेन इनवर्स बराबर कितना साइन इनवर्स, याद कीजिए, बटे 1 + x², ये सब फॉर्मूला हम बताए थे आपको। तो देखिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला पर लाइए आप, फॉर्मूला क्या होगा इसका, टू ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक एक लाइन का सवाल है, एक एक लाइन का सवाल बनाना है आपको, और सब आ जाएगा, इसलिए वाई इजिकल टू डिफ्रेंशिएटिंग कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू टू ऑफ टेन इनवर्स का 1 / 1 + x², 2 / 1 + x², ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 12 के बाद 11 के बाद 12, वाई इक्वल टू इसी में दे दे आपको साइन इनवर्स 1 - x²y 1 + x², अगर साइन इनवर्स में दे दे तो क्या होगा, तो देखो तो इसका तो फॉर्मूला होता नहीं है, जब भी फॉर्मूला होता है तो कॉस इनवर्स में 1 - x², इसका क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला पर लाएंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग जानते हो, एक चीज बता दे तुम लोगों को, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा 11th में, 1 - tan²x / 1 + tan²x, और साइन 2x का फॉर्मूला बताए थे 2 ऑफ tan x / 1 + tan x, tan 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 tan x / 1 - tan²x, इस टाइप से देख लीजिए, टेन में है माइनस, साइन में प्लस, सेम फॉर्मूला है, केवल माइनस प्लस का है, और कॉस 2x में इस टाइप से है, तो मैंने आपको ट्रिक दिया था ना, ये तो सब फॉर्मूला पर बन गया, लेकिन मैंने आपको ट्रिक दिया था, सिंपल ट्रिक दिया था, कि बाहर क्या है साइन इनवर्स एक्स, बाहर क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स है तो आपको भीतर में भी क्या लाना है साइन लाना है, भीतर में क्या लाना है साइन, तो कैसे लाएंगे साइन इस पर विचार करना है, तो अगर हम इसको कॉस ले आए, इसको क्या ले आए कॉस ले आए, तो आप साइन में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉस को तोड़ सकते हैं हम sin π/2 - x, जब भी तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, तो पुट कर लो इस सवाल में, क्या करना है पुट x बराबर टेन थीटा, x बराबर क्या पुट कर लिए टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स एक्स। दिव्यांशु कुमार यादव, मुरारी कुमार, कुछ लड़के बोल रहे हैं व्हाट्सएप वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, गोपाल कुमार जी हम आपका कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व, तो मोबाइल भूल गए, चिंता नहीं कीजिए, आपका सब सॉल्व कर देंगे हम क्वेश्चन, थोड़ा सा हम आपको सिखा रहे हैं अभी, जब तीनों में चल जाएगा तो फिर हम सब क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास, केवल हमको थोड़ा सा सिखाने दीजिए आप, सब लोग जुड़े हुए हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, रख दीजिए जनाब इधर, इधर रखिए आप, यहां पर क्या प्रॉब्लम है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x²y 1 + x², वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x का वैल्यू बताओ बाबू, क्या पुट किए हो एक्स का, एक्स के बदले क्या पुट कर लिए हैं आप टेन एक्स, एक्स के बदले लिखिए tan²x / 1 + x के बदले क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर, सॉरी थीटा, थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया, अब बताइए इसका फॉर्मूला, देखिए यहां लिखे हैं एक्स है तो एक्स है, अगर थीटा देंगे तो यहां क्या हो जाएगा थीटा, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, आ गया कॉस में, अब किस में लाना था हमको
मैंने ट्रिक दे दिया था, साइन है तो साइन में लाना है, साइन है तो किस में लाना है, साइन में लाना है। कैसे आएगा साइन में, देख लीजिए कैसे आया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा, पाई बाय टू माइनस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, पाई बाय टू को आप 90 कहते हैं। तो y इक्वल टू साइन साइन हट गया, कितना बचेगा जनाब, पाई बाय टू माइनस टू थीटा, पाई बाय टू माइनस टू थीटा, और y इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू, और थीटा का मान निकाल लिए हैं यहाँ, क्या रखेंगे आप टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरा ट्रिक समझ में आया कि जो भी है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए सब, इस ट्रिक को पकड़िएगा, बिल्कुल सवाल सब बनेगा, एनसीईआरटी हम बता रहे हैं आपसे केसेस। अच्छा धीरे धीरे बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है धीरे धीरे। देखिए यही प्रश्न है आपके पास, ये प्रश्न आपके पास है, और ये प्रश्न को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हियर देयर आर टू फंक्शंस, इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शंस एंड अल्जेब्राइक फंक्शंस, इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शंस एंड अल्जेब्राइक फंक्शंस। तो ये देखिए, तो इनवर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन है और अल्जेब्राइक फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, अब फिर ये अल्जेब्राइक है तो यू बाय वी में, लॉन्ग प्रोसेस में भागिएगा, लॉन्ग प्रोसेस में भागिएगा। सर क्या लिखे हैं, चंदन कुमार कंग्रेचुलेशन, क्या लिखा है, विष्णु कुमार लिखा है सर, सूत्र गलत लिखा गया है, किसका सूत्र गलत लिखा गया है, कौन ठोका चंदन, इसका कौस का, अरे यार जो लिख दिए वही होगा, प्रूफ कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, 11 देखो, ये सब चीज अच्छा बात नहीं है, पहले जाके देखो तुम, डिफ्रेंशिएट हो गया, क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, जीरो माइनस टू, इसका बताइए, इसका बताइए, टेन वर्स का वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या निकल गया माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए उत्तर में जाके आप किताब रखिए अपने पास, जो लिख दिए वही ठीक है, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है जी, समझ में नहीं आ रहा है, पुट कीजिए टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स लिख दिए एक्स का मान टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस टू थीटा, दिस इज कॉस टू थीटा, अगर यहां थीटा देते हैं आप तो क्या लिखिएगा, कॉस टू थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं समझ में आता है तो तोड़ दो, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां बता देते हैं, हल्ला करते हो, रॉन्ग है, बटे वन होता है फॉर्मूला कॉस टू थीटा का, वन को लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या होता है वन का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जानो तब आके पूछो हमको, भाग दे दो कॉस से, कॉस से भाग दे क्या होगा, वन माइनस कॉस से भाग दे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, यहां भी भाग दो क्या हो गया, फालतू सब चीज मत लिखा करो, कितना है पढ़ना है ठीक है, नहीं पढ़ना है जाओ पहले किताब देखे आओ तब पूछा करो हमसे, क्या हो गया, हो गया फॉर्मूला वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला हो गया, ये कॉस टू थीटा का हो गया, कॉस टू थीटा, और कॉस थीटा किस में लाना है हमको, साइन में लाना है, बच्चा लोग को सबको समझा दो, जो हम लिख देंगे वही मैथ है, जो बना देंगे वही उत्तर है, ध्यान रखना, जो लिख दिए वही मैथ हो जाएगा, जो बना देंगे वही उत्तर होगा, तो निकल गया ये उत्तर, हो गया। इस टाइप से फिर देखिए, अगर आपका इस टाइप से प्रॉब्लम दे दे आपको, 13 नंबर प्रॉब्लम लेते हैं एनसीईआरटी का, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहां फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला में क्या कहता है, इसी को अगर एक्स मानते हैं, एक्स मानते हैं तो टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर,
है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन में, लेकिन है यहां क्या, कॉस, क्या है यहां, कॉस, यही है आपका, क्या है, कॉस। अब बताइए किस में लाना है, क्या है बाहर, हम जो ट्रिक दे रहे हैं उसको पकड़िए, इस ट्रिक को पकड़ लीजिएगा, सवाल का धज्जी उड़ा दीजिएगा, बाहर में क्या है, कॉस, किस में लाना है इसको, कॉस में, अगर कॉस में ही नहीं भी आता है तो हम पहले इसको साइन में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन में ले आएंगे तो फिर इसी तरह से अगर देंगे साइन कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो देखो तो पुट करो, क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू, इधर ले आओ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, अगर इनवर्स नहीं है इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, इधर इनवर्स मिलेगा आपको। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, दो फंक्शन है यहां, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अल्जेब्राइक, फिर अल्जेब्राइक में इसको इसके रिस्पेक्ट में फिर इसको तोड़िएगा यू बाई वी, जो लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, इस टाइप से जाएगा, तो उतना हमको लॉन्ग में नहीं जाना है। देखिए अगर थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखते हैं, और इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है आपको बिहार बोर्ड वाला के लिए, और ऐसे सीबीएसई बोर्ड में भी अब 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ला रहा है, तो इसलिए बिहार बोर्ड वाला के लिए बहुत ज्यादा फायदा है कि इधर से बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा आपका, तो दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन लाइए, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x का मान टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा का मान क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्रीन पर, खोजिए, देखिए घेर भी दिए हैं हम, इसका फॉर्मूला, इसका क्या होता है वैल्यू, अगर x है तो x दिए हैं, थीटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहां थीटा, तो क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, इस तरह से है कॉस इनवर्स है, लेकिन इतना अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा तो लॉन्ग प्रोसेस में जाइएगा, हम इसको शॉर्ट में लाने का प्रयास करते हैं बाय फॉर्मूला के माध्यम से, और मेरा एक ट्रिक दिमाग में एकदम बत रखिएगा, इस ट्रिक को रखिएगा दिमाग में, कि जो है बाहर में, चाहे इनवर्स का प्रॉब्लम बनाइए चाहे इनवर्स का डिफरेंशिएशन बनाइए, ये ट्रिक जरूर रखिएगा दिमाग में, क्या है बाहर में, कॉस एक्स, तो हमको इसको कॉस में लाना है, किसमें लाना है, कॉस में। देखिए हम अभी तक इसको ऐसा किए कि फॉर्मूला के माध्यम से पुट करने के बाद फॉर्मूला के माध्यम से साइन पर ले आए, जब साइन पर आ गया तो इसको किसमें चेंज करना है, कॉस में, हम बार बार कहते हैं कॉस में लाना है, तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय टू माइनस टू थीटा, पाई बाय टू माइनस टू थीटा, तो वाई इक्वल टू कॉस कॉस हट गया, पाई बाय टू माइनस टू थीटा, तो वाई इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू, और थीटा का मान देखिए तो क्या निकाले हैं आप, टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, अब इससे आगे कोई सॉल्व नहीं होगा, मैंने कहा था ना ट्रिक में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पहले सॉल्व करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आप उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्व करना है फॉर्मूला से, मेथड से, रूल से, जिससे भी करना है करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या लिखिएगा, अभी ऊपर लिख देते हैं एक बार, पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होगा, जीरो, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, अलेवेंथ में पढ़ाए होंगे सर आपको, कॉन्स्टेंट है जीरो, माइनस टू, और टेन इनवर्स का क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। देखिए शॉर्ट में इस तरह से जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बताएंगे या बनाएंगे तो आप सबसे पहले काम करेंगे, क्या काम करेंगे इनवर्स में, कि आपको पहले इनवर्स से सॉल्व करना है, इनवर्स को सॉल्व करना है, इसके बाद उसका डिफरेंशिएट करना है। बहुत लड़के लिखे सॉल्व हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
अच्छा कन्हा म्यूजिक बीएससी पार्ट टू का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप भी देखिए। चलिए इस टाइप से आपका प्रॉब्लम हो गया और ये आपका बन गया होगा, या ध्यान दीजिए। फोर्टीन नंबर सवाल है देखिए, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, देख लीजिए आप कितना सुंदर प्रॉब्लम है। किसका फॉर्मूला है, सबसे पहले मैंने कहा था ना फॉर्मूला पर आप सॉल्व कीजिए, किसका फॉर्मूला है, तो देखिए तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसको लिखेंगे वाई इक्वल टू टू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको नहीं है दिमाग में तो मैं बाहर बगल में लिख देता हूं कि ये किसका फॉर्मूला है इस टाइप से, इसलिए कि आपको बार बार अगर हम बताएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। हम बताए थे टू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बताए थे, याद होगा कि कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस टाइप का फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं आप, साइन इनवर्स में भी ला सकते हैं इसको इस टाइप से। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेरी सिंपल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स टू साइन इनवर्स का वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू टू बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर कितना शब्द में बना देख लो, चार स्टेप, वन टू थ्री स्टेप, थ्री से फोर स्टेप में बनाना है आपको, ये स्टेप तो पहले प्रश्न ही है, वन टू थ्री, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बनाना है। फिर से समझिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, याद करो फॉर्मूला साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर, उसका देखो यहां लिखे हैं हम इस फॉर्मूला का क्या है, किसका फॉर्मूला है, टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसके बदले में क्या लिख देंगे, इसके बदले में टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसका कोई सॉल्व नहीं होगा और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, आप जानते हैं डिफरेंशिएट में डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट फॉर्मूला में बताया था मैंने, वन माइनस स्क्वायर वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा कुछ लड़के ये भी आता है व्हाट्सएप पर कि यहां पर देखिए, तो आप खुद देखिए भली भांति, हम लगभग एक बार चेक भी करते हैं बनाने के बाद, यहाँ चेक भी करते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना, इसलिए फिर आप लोग जो लिखते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कहीं कुछ छूटा भी नहीं, तो इसलिए आप लोग बार बार देखिए मेरा जो भी हम लिख देते हैं वही सही हो जाता है, कहीं कहीं अगर दो तीन एक कुछ छूट गया माइनस प्लस में हो सकता है, तो उसके लिए हम फिर आप लोग लिखते हैं तो हम फिर एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। इधर हो गया है, अब मैथमेटिक्स ही है, कहीं 19-20 हो सकता है, ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही से सब बन जाएगा, 19-20 हो सकता है गलत, कभी कभी माइंड पर निर्भर करता है। अब देखिए एग्जाम्पल कहता है वाई इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप भली भांति जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए हम लिखाए थे, यही कहे थे ना कि देखिए ये फिर से बोल रहा है समझाने के लिए, आप देख लीजिए वेरी सिंपल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, आप दोनों को देखिए, बहुत देर से बोल रहा है चंदन, एक बार तुमको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर एक बार देखें हमको प्लीज, वो व्हाट्सएप नंबर बताइए तो, मैं अपना मोबाइल नहीं लाया हूं, ये बोला जो है,
यही है अभी तत्काल मेरे पास उपस्थित है, जो मेरे ऑपरेटर उनके पास मोबाइल है उस पर आप क्वेश्चन भेज दीजिए जिनका भी है, हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, तो लड़का बोले फिर समझा दीजिए, ये देखो ये किसका फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला पर पकड़ बनाना है आपको, ये किसका फॉर्मूला है, तो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, टू साइन इनवर्स एक्स। तब टू कॉन्स्टेंट हो गया, टू तो बाहर आ जाएगा, टू को कुछ नहीं करना है। अगर पहले टू हो तो टू कॉन्स्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएट जानते हो बाय फॉर्मूला से। और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, यहां हम रख दिए तो टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ द ये डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स एंड टू इंटू टू बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। यहां देखिए, अब ये जानते हैं आप, तो बताइए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाय एक्स, इस फॉर्मूला पर विचार कीजिए। जो नीचे में है वही तो यहां है, तो देखिए तो सेक इनवर्स के नीचे में क्या है, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस इनवर्स ऊपर ले जाओ क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, अच्छी बात है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये, कॉस टू कॉस इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू टू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखिए तो आ गया, आ गया, प्रॉब्लम लिख के भेज दो तुरंत सॉल्व कर देंगे यहां पर, जिसका जो प्रॉब्लम भेजो, जो प्रॉब्लम है ये व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, यही व्हाट्सएप नंबर है आपका, जल्दी भेजिए हम सॉल्व करेंगे आप लोग का। हाँ कुछ लड़के पूछ रहे हैं 3.5.3 का बता रहे हैं, ये सवाल कितना किसका बता रहे हैं 5.3 का, तो देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, इसका बताइए वन माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, ट्रिक पकड़िए मैंने बताया था रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा। कुछ प्रॉब्लम आया है देख लेते हैं, कुछ लड़के प्रॉब्लम भेजे हैं उनका प्रॉब्लम हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये प्रॉब्लम तो बता दिए थे जी, ये प्रॉब्लम जो भेज रहे हैं आपके प्रॉब्लम तो बताए थे आप, देखिए मेरा क्लास 6 वाला क्लास में या 3-4 वाला क्लास में देखिए, फालतू का क्वेश्चन जो जो बोल दिए हैं स्क्रीन पर दे दिए हैं उसको आप भेज रहे हैं। बताओ लड़के लोग, तुम लोग ये बताओ, ये लोग लड़का फिर बदमाशी कर रहा है, ऐसे करोगे तो नहीं पढ़ाएंगे तब हम बंद कर देंगे हम, जो क्वेश्चन बता दिए हैं उस क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हो तुम लोग। ये क्वेश्चन हम बताए हैं वाई इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स, सॉरी ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, कहता है डी वाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बटे डी एक्स। और दूसरा क्वेश्चन ये लड़का भेजा है, देखो तो कितना ही चतुर है, इसको हम जब इसको समझ में नहीं आता है कौन चैप्टर का है, इसको नहीं समझ में आता है कौन चैप्टर का है, नहीं समझ में आता है। और आया कौन क्या, देखे मिटा के पहले प्रॉब्लम लिखे, डी ऑफ टू माइनस टू टू दी पावर माइनस एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट, तीसरा हाँ ये प्रॉब्लम पूछने वाला था, नहीं बताए बताए थे ये इस टाइप का बताए थे, लेकिन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस फोर एक्स, फिर ये कहता है प्रॉब्लम इस तरह से केसिसनाक प्रॉब्लम सब है, फोर रूट अंडर फोर एक्स क्यू माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर
फाइव एक्स प्लस एट। बताइए, थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते हो? ये सब प्रॉब्लम किसी नाम जाते तो बताते, बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हो, मान लीजिए जो नहीं बना हम किसी नाम में जाते स्क्रीन पर बोले थे किसी ना क्वेश्चन चलेगा, लेकिन बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। हम जब बोल रहे हैं कल या परसों कहीं ना कि स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा आपका, स्क्रीन पर आपका देखिएगा नंबर, बोलिएगा फलाना नंबर का बताइए, हम यहाँ बताएंगे, लेकिन आप बीच में डिस्टर्ब करें। हम समझाना चाह रहे हैं कि जल्दी से एन सी आर टी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तीन को जल्दी से इसको हम बता के निकालेंगे, एक इम्प्लिसिट बच गया था उसको भी बताते, तो फिर कैसी ना के से चलते सब कैसी ना में क्या है ये, सॉरी एन सी आर टी में क्या है कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनल फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन तीनों का मिला के चैप्टर में दिया है डिफ्रेंशिएशन में। तो हम सोच रहे कि इसको क्लियर करके तब चैप्टर पर जाएंगे, तो फालतू का पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, अरे सब्र कीजिए, क्वेश्चन सब बताएंगे। जो लड़के ये क्वेश्चन पूछे ये तो बताए हैं, देख लो फोर या फाइव में होगा ये क्वेश्चन बताए हैं, फाइव वाला वीडियो देखो या फोर वाला वीडियो देखो, सवाल बना हुआ है स्क्रीन पर। ये ऐसा सवाल एक दिन पूछा था लड़का, तो हम बताए थे कि ये सवाल आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताएंगे, उस दिन जो बताए फॉर्मूला डी ऑफ ए टू डी पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, ए टू डी पावर एक्स लॉग ए, क्या एकदम तुम लोग करते हो, इसका क्या होगा डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में होगा, टू डी पावर माइनस एक्स बाय डी माइनस एक्स गुना डी ऑफ माइनस एक्स बाय डी एक्स। बराबर कहते हैं जब जाएंगे इस पर, इसको भी पकड़वा देंगे आपको, जब पकड़वा देंगे तो आप खुद बनाइएगा, आप लोग बोला हो जाते हैं ये प्रॉब्लम तो एक बगल से एनसीईआरटी बता देते हैं, बोला जाए हम क्या करें सर, तो क्या होता है माइनस टू पर पावर माइनस एक्स लॉग टू अगुना माइनस वन का वन, तो माइनस टू पर माइनस एक्स लॉग टू, देखिए उत्तर। नीचे भी करके बना सकते हो, इसको नीचे भी लाके बना सकते हो, एज यू लाइक, लोग का बनाने का तरीका है अपना अपना। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ा देर तुम लोग इंतजार करो, जो भी प्रॉब्लम है जब हम कहेंगे इस चैप्टर से क्लियर, हम आगे भाग गए, ये क्लियर हो गया, तब आप पूछते सर ये सब प्रॉब्लम रह गया, लेकिन अभी हम आपको बता देना। देखिए फिर भी आज लड़का लिख रहा है कि रोज 5.1 में डिफरेंशियलिटी है और ये है क्या कहते हैं कंटिन्यूटी है, तो उसको हम नहीं पढ़ाए, हम आपको बोले ना इजी करके डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं आपको, हम सब चैप्टर पढ़ाएंगे, 5.2 से स्टार्ट किए हैं, तो 5.2 में आप देख लीजिए, आपको फिर भी बताते हैं, वीडियो देखा कीजिए पीछे का, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन में एनसीईआरटी में मिला के दिया है, क्या दिया है, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनल फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दो 5.2 और 5.3 में दोनों मिला के दिया है, तो हम तीनों चैप्टर क्लियर करेंगे तब ना 5.2 5.3 का पूरा सवाल बनाएंगे, अभी तो हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वही सवाल से हम लेके बता रहे हैं। चलो वो सवाल भी आपका बोर्ड पर आ जाएगा, फिर बाद में बताएंगे, तो अपने बोलोगे छोड़ दिए सर ये सब तो बता दिए, तो इस टाइप से हम सोच रहे हैं इस तरह से पढ़ाने, और आप लोग सोच रहे हैं पहले सवाल ही क्लियर कर दीजिए, तो ऐसा करते हैं एक बार से सवाल ही बता देते हैं, ठीक है आइए। हाँ देखिए कई ना का ही सवाल नंबर भेजा है, सब्र नहीं कर रहा है, 40 नंबर सवाल कई ना का भेज दिया है, कितना नंबर है 40 एग्जांपल का जी, तो वाई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स, व्हाट बताइए, इसको बताते हैं, ये इनवर्स का है, ये सवाल है आपका, जिसका भी सवाल हो देखिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाइए, और आपको फॉर्मूला बताया था मैंने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, क्या बताए थे, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला को पकड़िए, एक का स्क्वायर एक बिना स्क्वायर का दूसरा का स्क्वायर रूट में, बिना स्क्वायर का दूसरा का स्क्वायर रूट में, यहां पकड़िए, देखिए तो ये सब सवाल बनाना चाहिए, y इक्वल टू हम लिखते हैं फॉर्मूला पर लाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो फॉर्मूला पर लाएंगे, रूट अंडर वन इसका स्क्वायर, स्क्वायर में कहता है इसका स्क्वायर क्या होगा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर,
अब मान देखो जो है, अगर y का स्क्वायर है तो y है, तो रूट एक्स का स्क्वायर तो रूट है, रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू। अब देखिए आप इसको मान लो x, इसको क्या मान लो x 1 माइनस रूट अंडर y स्क्वायर y रूट अंडर x स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला जल्दी बताओ, साइन वर्स x माइनस साइन वर्स रूट x आ गया फॉर्मूला पर। क्या है नहीं जानते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स का, बताओ जानते हो, मैं भल्ला गाड़ी नहीं, x स्क्वायर माइनस देर आर टू फंक्शन इनवर्स फंक्शन एंड रूट फंक्शन d ऑफ, क्या लिखाएंगे रूट एक्स बाय डी ऑफ रूट एक्स गुना डी ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स। यहाँ दो फंक्शन है, यहाँ चूंकि x था तो x के रिस्पेक्ट में करते ही तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ देखो दो फंक्शन था तो इस टाइप से हमको देखना है, दो फंक्शन है तो पहले साइन को रूट के रिस्पेक्ट में, रूट को x के रिस्पेक्ट में, डी डी वाई बाई डी एक्स वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा वन बाय रूट अंडर वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और गुना रूट एक्स का टू रूट एक्स। निकल गया उत्तर आपका, जाके आंसर देखिए, बस इतने को के लिए आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, तुरंत ओकता जाते हैं कि हमारा ये सवाल होना चाहिए। हम आपको बोले थे कि स्क्रीन पर सवाल चलेगा, बार बार हम बोलते हैं, हम प्रयास में है कि आपका स्क्रीन पर सवाल चलाएं। और म्यूजिक हर्ट, ओके सर कंटिन्यू टीचिंग सर, टॉपिक से बाहर कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा राइट, पूछना भी नहीं चाहिए। कुछ लड़के यहाँ पर हम देख रहे हैं उल्टा सीधा लिख के भेजते हैं, वो चले जाइए नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा फिर आपको, हम जितना पढ़ा रहे हैं जिसको समझ में आता है पढ़िए, नहीं तो फिर स्क्रीन देखना हम बंद कर देंगे, अपने मन से पढ़ाएंगे। मिटा दूं तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन देखिए बन गया, ये सब क्वेश्चन हम बना देते हैं अगर आपको दिक्कत है तो ये सब क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हैं जो देखिए आप आगे एक्सपोनेंशियल में दिया गया है, एक्सपोनेंशियल का पार्ट अभी हम मत पूछिए, हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं, कहीं ना भी या एनसीईआरटी भी देखिए पार्ट बाय पार्ट दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में फर्स्ट में क्या क्या कुछ घुमा के पूछा है, मिला के पूछा है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम इसलिए आज एनसीईआरटी किताब लेके हम आए थे कि देखते हैं क्या क्या है। हो गया होगा, स्क्रीन पर आ भी गया, ये प्रॉब्लम दिखा देते हैं, कुछ लोग केसेस ना जरूर बनाए, प्रैक्टिस होगा फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा, प्रैक्टिस से ही फॉर्मूला दिमाग में बैठता है, रटने से नहीं बैठता है। y इक्वल टू साइन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस फोर एक्स, कॉस फोर एक्स दिखाई पड़ रहा होगा। यहां कोई लड़के बता दो यहां किस चीज में बनाएंगे, सबसे पहले आप करेंगे यू भी, यानी यू प्लस भी में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे यू प्लस भी में, बहुत लड़का लिख रहे हैं सॉल्व हो गया है, देखिए तो यहां लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या कहोगे डी वाई बाई डी एक्स डी ऑफ साइन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस फोर एक्स बाय डी एक्स, इस टाइप का करेंगे हम। देखिए तो अब हमको तुम लोग बताओ, अगर समझते हो तो u प्लस v में हो गया, यहां कितने फंक्शंस हैं, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ द डिफ्रेंशिएशंस, यहां पर बताइए कितने फंक्शंस हैं, हमको उम्मीद है आप लोग बता दीजिएगा, उम्मीद है हमको बता दीजिएगा कितने फंक्शंस हैं। यहाँ u प्लस वी पर तोड़ेंगे हम, u प्लस वी पर तोड़ेंगे तो u का करेंगे प्लस वी का करेंगे u प्लस वी, इसको मिटा दो गड़बड़ा जाओगे नहीं तो, हम बोर्ड पर लिख दिए हैं एक बार। अब बताइए यहाँ कितना फंक्शन है, तीन फंक्शन, कोई लड़के टू फंक्शन भी लिख रहे हैं जो गलत है, राजेश कुमार जी तीन फंक्शन है यहाँ,
सबसे पहला जवाब आया है सूरज कुमार चौधरी, राइट। रूपक कुमार, सब तीन लिखे हैं, अच्छी बात है। निधि कुमार यू प्लस भी में तोड़ेंगे, राइट। अच्छा निधि जी, तो देखिए तो इसको बनाइए तो डी ऑफ साइन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, डी ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस, देखिए तो अब ये हो गया प्लस, अब देखो u इंटू भी नहीं लगता है, ये u इंटू है तो ये भी, u इंटू भी में तोड़ेंगे तो u इंटू भी में कैसे तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, तो पहले u को रखो किसका डिफरेंशिएट, डी ऑफ कॉस फोर एक्स बाय डी एक्स प्लस भी को रखो कॉस फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, यहां तक दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए साइन का कॉस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट का वन बाय टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना वन का कॉन्स्टेंट है तो जीरो माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस तो एंगल के रिस्पेक्ट में होगा तो डी ऑफ कॉस फोर एक्स बाय डी ऑफ फोर एक्स डी ऑफ फोर एक्स बाय डी एक्स, देर आर टू फंक्शन हियर, देर आर टू फंक्शन कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फोर एक्स अलजेब्रिक फंक्शन प्लस कॉस फोर एक्स टू एक्स एक्स स्क्वायर का टू एक्स टू टू मल्टीप्लाई में है तो जीरो है तो कट गया माइनस एक्स कॉस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का माइनस साइन फोर एक्स का फोर प्लस टू एक्स कॉस फोर एक्स, लिख दीजिए उत्तर अब माइनस एक्स कॉस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर साइन फोर एक्स प्लस टू एक्स कॉस फोर एक्स, आंसर देखिए क्या था इसमें, कैसी इतना बोलते हैं ना कि इतना बनाते हैं आप लोग, क्या करते हैं पढ़ते कम हैं ध्यान कम देते हैं, बताए थे यू प्लस वी पर टूटेगा यू इंटू वी पर टूटेगा सब एक साथ रहेगा तो क्या करना है, लेकिन आप लोग ध्यान कम देते हैं केवल सबका चैटिंग देखते हैं कौन कौन कर रहा है लिव चैट में, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, इस टाइप का है। इसके बाद एक और था एक और क्वेश्चन था वन बाय फोर करके इस तरह से, या देखें वो क्वेश्चन एक जो बाद में भेजा था, ये पहले भेजा था लड़का, वो भी बना देते हैं, इन लोग का आत्मा को शांति मिल जाएगा, यदि इन लोग को लग रहा होगा अक्सर बताएंगे नहीं बताएंगे, हाँ फर्स्ट वाला में दो क्वेश्चन था नहीं इसके बाद जो आया था, यही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन फिर इस टाइप से आप लोग पूछे थे y इक्वल टू वन बाय फोर रूट अंडर फोर एक्स क्यू माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट, देखो तो यहाँ तीन फंक्शन है वन टू थ्री, यू प्लस भी में टूटेगा यू बाय भी में टूटेगा, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा छोटा हो वही ठीक था यहाँ देखते थे, हो गया होगा इधर स्क्रीन पर भी है आप देख सकते हैं जब भी चाहे रोक के देख सकते हैं, इस टाइप की बात हम बोले ना आपको आप लोग धीरे रखिए, आपसे डिफ्रेंसिएशन जब तक नहीं बनवाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है आपसे बनवाएंगे, लेकिन बनाने के लिए तो कुछ बेसिक चीज चाहिए आपको, तो बेसिक चीज के लिए हम फॉर्मूला सब देते रहते हैं थ्योरी देते रहते हैं कि पकड़िए, लोग सोचते हैं हम आए तुरंत हमसे शुरू हो जाए प्रॉब्लम बनना, ये संभव नहीं है बाबू, पीछे का भी वीडियो देखिए प्रॉब्लम वहाँ भी बनाया, मान लिया कोई फिर ये प्रॉब्लम पूछेगा ये प्रॉब्लम पूछेगा तो हम बार बार कितना बताएंगे, वीडियो पर रोक के देखिए, अब लोग नहीं देखेगा तो क्या करेंगे हम,
चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर फोर एक्स क्यूब माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट। ये रूट क्या मतलब क्या होता है? अब ये तो बाहर देखते हैं आप लोग दिए हैं फोर, क्या नहीं सकते हैं अपना, अगर भीतर में होगा बना लीजिएगा। तो देखिए तो ये रूट का मतलब क्या होता है, ऊपर वन बाय फोर, इसका मतलब फोर एक्स क्यू माइनस वन पावर माइनस हाफ, ऊपर दे दिए। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब कितना पावर होता है, अगर किसी पर रूट एक्स हो एक्स पावर कितना हाफ, वन बाय रूट एक्स हो इसका मतलब वन बटे एक्स पावर हाफ, ऊपर जाके कितना होगा माइनस हाफ। चूंकि सवाल बड़ा है जगह नहीं बचता, इसलिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा यहां कर दिए, इसी का चीज हम बगल में लिख दिए इसी मेथड से, प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट। अब सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको u तो इसको v, प्लस है तो पहले u प्लस v में करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y को dy वाई बाय डी एक्स, पहले किसका वन बाय फोर कॉन्स्टेंट बाहर, d ऑफ फोर एक्स क्यू माइनस वन पावर माइनस हाफ बाय डी एक्स प्लस डी ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट वाई डी एक्स, इस टाइप से देख लीजिए। तो मैंने आपका भी एक सवाल था तो मैंने तो व्हाट्सएप नंबर दिया आपको, देखिए वीडियो पीछे करके यकीन लीजिए नंबर, व्हाट्सएप नंबर अपना लिख लेते उसमें चला देते, इस पर सवाल पूछिए। आपका सवाल था, आप बार बार हम व्हाट्सएप नंबर लिखे आपके लिए, जो सवाल था व्हाट्सएप पर भेजिए, व्हाट्सएप का ही सवाल बना रहे हैं हम अभी। अब देखिए यहां कितने फंक्शन है, प्लस के पहले यहां कितना फंक्शन है और यहां कितना फंक्शन है। यहां देखा जाए यू वाला पार्ट देखा जाए तो हियर देयर आर टू फंक्शंस, दैट इज पावर फंक्शंस एंड अल्जेब्रिक फंक्शंस, पावर फंक्शंस एंड अल्जेब्रिक फंक्शंस, और यहां बताओ कितना फंक्शन है, कोई लड़का बता दो। डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वन बाय फोर, सबसे पहले किसका करोगे पावर का, पावर का करेंगे बाय डी ऑफ फोर एक्स क्यू माइनस वन गुना डी ऑफ फोर एक्स क्यू माइनस वन बाय डी एक्स प्लस, यहां बताओ कितने फंक्शन है लड़के, कोई लड़का बताओ कितना फंक्शन है यहां, कितना फंक्शन है यहां इधर वाला पार्ट में, तीन राइट, तीन फंक्शन है, गुड। पावर फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन एंड अलजेब्राइक फंक्शन, पावर फंक्शन, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड अलजेब्राइक फंक्शन, ये तीन फंक्शन है। तो इसको पहले हम पावर को करेंगे, पहले पावर को, किस पर पावर है जनाब, कॉस पर, तो कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे और इनटू डी ऑफ कॉस फाइव एक्स प्लस एट, एंगल के रिस्पेक्ट में फाइव एक्स प्लस एट इंटू डी ऑफ फाइव एक्स प्लस एट बाई डी एक्स। देखिए तीन फंक्शन है, पावर फंक्शन, त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, तो तीन फंक्शन है, थ्री स्टेप वन टू थ्री स्टेप में तोड़ दिए। अब देखिए तो वन बाय फोर, पहले पावर का तो इंटू माइनस हाफ फोर एक्स क्यू माइनस वन पावर माइनस हाफ माइनस वन, इसका कीजिए क्या होगा, ये फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ऑफ कॉस फाइव एक्स प्लस एट, कॉस का माइनस साइन फाइव एक्स प्लस एट इंटू इसका क्या होगा फाइव प्लस जीरो। दिखाई पड़ रहा है यहां, हाँ दिखाई पड़ रहा है इस टाइप से। अब चाहो इधर आंसर लिख सकते हो तुम, ये प्रॉब्लम भी हो गया, चलिए आंसर यहां लिख देते हैं आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो तो फोर टू जा एट, फोर टू जा एट माइनस वन बाय एट, अच्छा ये कितना हो जाएगा हाफ और वन थ्री बाय टू, नीचे आगे प्लस और इंटू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, वन का जीरो ना, वन का जीरो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर
बाय 4x³ माइनस 1^3/2 प्लस, अब यहां देखिए प्लस गुना माइनस माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 5 रहने दीजिए और ये 2 के साथ लिखिए 2 ऑफ, या नीचे लिखते हैं 5 इंटू 2 ऑफ साइन 5x प्लस 8 इंटू कॉस 5x प्लस 8, तो हो गया ये कट गया 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 4x³ माइनस 1^3/2 माइनस 5 साइन, इसको देखो तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 ऑफ 5x प्लस 8 आंसर। इस टाइप से बना सकते हैं आप, आपका यही है, कितना आसान तो है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो इसको ऊपर लेके चल देंगे, देयर आर टू फंक्शंस, एक अल्जेब्राइक फंक्शंस पावर फंक्शंस, पहले पावर का होगा अल्जेब्राइक के रूप में, पावर का करेंगे अल्जेब्रा के फॉर्म में, फिर अल्जेब्राइक का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा एन, इसको अगर एन मान लेते एन एन पर एक्स पावर एन माइनस वन, और इसका 4 3 जा बाहर आएगा इधर आएगा पास पर माइनस 0, फिर देखिए यहाँ पहले पावर का होगा कॉस के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस का एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल अल्जेब्राइक है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन, और फिर इसका 5 हो जाएगा कॉन्स्टेंट का 0, ये 5 को रहने देंगे, ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, 5 को रहने देंगे फॉर्मूला पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2 ए, इस टाइप से कर देंगे। यहीं पर लड़का फॉर्मूला नहीं लगा पता है, आंसर नहीं मिलता है, फॉर्मूला नहीं लगा पता है, आंसर नहीं मिलता है, कहता है बना दीजिए हमको, इसलिए दिमाग में फॉर्मूला को रखना पड़ेगा आपको, यही चीज है आपका, नहीं तो काफी प्रॉब्लम होगा। चलिए, जिसका प्रॉब्लम था, और किसी का प्रॉब्लम था, बोल रहे थे मेरा भी प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम जो भी होगा हम बार बार कहते हैं, आप नहीं इंतजार कर सकते हैं तो पूछ लीजिए, अगर आपको इंतजार करने की क्षमता है तो आपके स्क्रीन में कल या परसों से हम स्क्रीन पर क्वेश्चन चलाएंगे एनसीईआरटी और कहीं सुना दोनों का, जिसमें आपको दिक्कत हो कि एनसीईआरटी का 5 नंबर वहां लिखा रहेगा 5.2 का सवाल चलेगा, धीरे 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 आपके स्क्रीन पर बढ़ते रहेगा, फिर 5.3 का उस बढ़ते रहेगा, कैसी सीना का इस तरह से चलते रहेगा, जो प्रॉब्लम होगा मारिएगा सर 5 नंबर, हम यहाँ 5 नंबर बता देंगे, आप लोग बोलेगा नहीं सर 7 नंबर, 7 नंबर बता देंगे, आपके स्क्रीन पर चलेगा बगल में छोटा ऐसा स्क्रीन पर चलेगा आपका प्रॉब्लम बगल में, वो हम सेटिंग करवा रहे हैं, वो हम दिमाग में ला रहे हैं कि लड़के को किताब नहीं है, लड़के को समस्या है बुक का कॉपी का, छोटा दिखाई पड़ता होगा मोबाइल पर, तो इसलिए क्या करेंगे हम वो चलाएंगे आपको, अब मोबाइल देखे किताब देखे, इस टाइप से है, तो इस टाइप से हो गया, आप कर सकते हैं, आपका इन्वर्स त्रिगुणल फंक्शन का ये है, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम बताएंगे आपको, केसेस ना कहीं बताएंगे, इस टाइप से टेंशन नहीं लेना है, कोई लड़का हमको बता दो, ये भी देखिए 9 नंबर का सवाल है, शायद 9 नंबर का सवाल है, y=sin inverse 2x/1+x², देखिए तो कितना इजी क्वेश्चंस है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, तो इजी क्वेश्चंस है, तो इजी क्वेश्चंस को आप कैसे लाएंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बिल्कुल है, क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2 ऑफ tan इनवर्स x, बिल्कुल आप जानते हैं 2 ऑफ tan इनवर्स sin इनवर्स 2x/1+x², cos में लेते हैं 1 - x²/1+x², इस टाइप से आप, तो देखिए तो y = इसका डिफरेंशिएट करना है, आप आंसर होगा डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं आप dy/dx, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, tan इनवर्स का जानते हैं आप, क्या जानते हैं 1/1 / 1/1+x², यानी 2/1+x² आंसर, देखते साथ फॉर्मूला होता है तुरंत बनाइएगा, उतना करने के नहीं, जितना बनाइए सब ये सब आप 18 का क्वेश्चन देखिएगा, बिहार बोर्ड वाले लड़के से मैं कह रहा हूँ, 18 का क्वेश्चन देखिएगा, विश्व 18 का, उसमें आपको ये सब टाइप का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, क्या दिया गया है
ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब भी आपको करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएट पूछा ऑब्जेक्टिव में, आप 18 का क्वेश्चन देखें, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा कर देगा तो फिर आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखिए और फॉर्मूले से तोड़ने का प्रयास कीजिए। और हम आपको बताते हैं फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, आपको फॉर्मूला ये बार बार बनाने से होगा, दिमाग में बैठेगा, प्रैक्टिस करने से दिमाग में बैठेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कम से कम एनसीईआरटी छोड़ के एक बुक से जरूर करें। हाँ पता है हमको, बहुत सारे लड़के का व्हाट्सएप आता है किताब छूट गया है सर, ये छूट गया है, हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन चलेगा। इस टाइप से ये एनसीईआरटी का था। अब आपको कुछ केसेस ना का प्रॉब्लम हम बता देते हैं एक दो, इसके बाद हम फिर चल जाएंगे इम्प्लीसिट पर, तब एक बगल से प्रॉब्लम तब तक इस पर चलेगा। आपको जो प्रॉब्लम पूछना है पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम प्रॉब्लम बताते चलेंगे। अब हम प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल हम कई ना से ले लेते हैं आपको बनाने के लिए, ताकि आप उसका डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। आपको वेरी सिंपल होगा, जैसे कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत इजी है लेकिन लगेगा कि y इक्वल टू sec इनवर्स x x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन कहता है डी वाई बाई डी एक्स। लग रहा होगा बहुत भारी है, क्या लग रहा है बहुत भारी है, लेकिन बहुत हल्का है इसका। देखिए तो फॉर्मूला बताए थे sec इनवर्स x इजिकल टू cos इनवर्स वन बाय एक्स होता है, पलट लो। और एक फॉर्मूला आपको यही बताए थे कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय टू। इस टाइप से ठीक है, कुछ नहीं ले पाए तो हम आपका स्क्रीन पर सवाल चलेगा, कॉपी एक खरीद लीजिए, गांव में मिल रहा होगा कॉपी, आप वहां कॉपी लेके बनाइए। तो देखिए तो y इक्वल टू इसको किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है दोनों cos इनवर्स और sin इनवर्स का फॉर्मूला दोनों का सेम, देखो यहां वैल्यू है तो क्या होता है पाई बाय टू। तो sin इनवर्स तो है, इसको किसमें तोड़ दें, cos इनवर्स में तोड़ो, तो ये cos इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा पलट जाएगा वन बाय कितना x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इंटर में चले गए, इसको यहीं पलट दीजिए, तो यहीं पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। देखिए वैल्यू, देखिए वैल्यू है बराबर, वैल्यू है दोनों सेम, एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन है। तो जब दोनों वैल्यू सेम हो और कॉस इनवर्स साइन इनवर्स प्लस हो तो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे आप पाई बाय टू, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है इसलिए आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू जीरो, कॉन्स्टेंट का क्या होगा जीरो, पाई बाय टू है। कुछ लड़के नहीं पढ़ पाएंगे तो इस तरह से इसी को लिखते हैं लोग पाई बाय टू इस तरह से, तो पाई बाय टू का क्या होता है डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसलिए एक्सरसाइज 11.2 होगा शायद, केसेस नाम में केसेस नाम प्रॉब्लम होगा 11.2। केसी सिन्हा क्या बोलता है, केसी सिन्हा 11.2 एनसीईआरटी में 5.2 5.3 डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किए हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आप जहां भी देखें बना सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा सवाल आप बना सकते हैं, वेरी सिंपल। देखिए आगे प्रॉब्लम इस टाइप का है,
y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट प्लस वन माइनस साइन एक्स बाय रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स। यही आपका प्रॉब्लम्स है, यही आपका प्रॉब्लम है। अब देखिए, तो ये प्रॉब्लम बनाना है तो कितना आसान है, कितना आसान है। इसको आप चाहें तो आप लोग गांव घर मैट्रिक अंदर मैट्रिक या अलेवेंथ में पढ़े थे आप, परमेकरण करके बनाने, रेशनलाइज करके बनाने। तो रेशनलाइज नहीं करना है, इसको और आसान कर लेना है। और मैंने आपको ट्रिक दिया था, क्या ट्रिक है, बाहर में क्या है, टेन इनवर्स है तो इसको किस में लाना है, टेन में लाना है। किस में लाना है, टेन में। देखिए तो टेन में लाते हैं हम, टेन इनवर्स वन को लिख सकते हैं आप, अटेंशन एवरीबॉडी, वन को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका आधा एंगल, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ट्रिक बताते हैं, यहां टू एक्स रहता तो यहां एक्स एक्स लेते, वन के बदला में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन, वन के बदला में लिख दे कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका आधा एंगल लेके लिखेंगे वन के बदला में, प्लस है प्लस साइन टू एक्स, सॉरी साइन टू एक्स का फॉर्मूला बताओ, साइन टू एक्स टू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर आपको दे दें साइन एक्स तो टू ऑफ साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, तो क्या हो गया टू ऑफ साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। इस टाइप से माइ प्लस है, फिर प्लस दीजिए आप, फिर प्लस दीजिए, प्लस रूट अंडर, फिर इसी का आधा एंगल में इसको लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू ऑफ साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। इधर से ही बना सकते हैं, इधर से थोड़ा सा आपको आराम बुझा जाएगा, क्योंकि इनवर्स में भी सॉल्व कीजिएगा तो फिर वन का लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ कॉस में भी चेंज कर दीजिए, कॉस से भी निकल जाएगा वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, और प्लस टू ऑफ साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू माइनस रूट अंडर क्या कहता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू ऑफ साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इसका बताओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या होता फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला बताओ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। मैंने कहा था आपको किस में लाना है, इसको टेन में, किस में लाना है, टेन में, दिमाग में हमको टेन में लाना है। यहां भी आपका फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस माइनस, माइनस है माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। इस टाइप से होल स्क्वायर, देखिए व्हाट्सएप पर कुछ क्वेश्चन आया होगा, हाँ एक क्वेश्चन बना के छोड़ेंगे सवाल। देखिए तो y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या है, रूट हट जाएगा, क्या हो गया कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, ये हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय टू। देखो साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या हो गया वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस एक्स बाय टू बाय टू साइन एक्स बाय टू कैंसिल, क्या निकल गया, क्या निकल गया आपका, यहां पर हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, कॉट को बना सकते हैं हम टेन में, टेन इनवर्स टेन
पाई बाय टू माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एक्स। जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो माइनस वन माइनस वन। इस टाइप से हो गया आपका। और देखें क्या प्रॉब्लम भेजा है, एक आया है। अरे ये सब प्रॉब्लम बता चुके हैं हम, देखिए सेकंड क्लास थर्ड क्लास देखिए मेरा, बता चुके हैं। उतना फुर्सत नहीं है एक ही सवाल को पुनः बताएं। सेकंड या थर्ड वीडियो देखिए, वीडियो देखते नहीं है सही से, उस पर बनाए हुए हैं कैसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, कल से हम आपका लेके आएंगे प्रॉब्लम, कल से हम इम्प्लिसिट फंक्शन पर चलेंगे। और इम्प्लिसिट फंक्शन जब हो जाएगा तब हम आपको एनसीईआरटी और कृष्णा का प्रॉब्लम एक बगल से सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम थ्योरी का पार्ट बता देते हैं, थ्योरी सिखाते हैं, तब प्रॉब्लम बनाने में मजा आएगा, नहीं तो केवल प्रॉब्लम बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, टाइम हमको लगता है हो गया होगा, इसलिए हैव ए नाइस डे। सभी छात्रों को मेरी तरफ से वेरी वेरी थैंक्स।